5% बच्चा ही सीरियस होता है, वो मुझे पता है, और मैं जितनी बातें ये कर रहा हूँ ये उन 5% के लिए ही कर रहा हूँ। अगर वो मुझे सुन पा रहे हैं तो मेरी बात सुनो। हाँ, तुम्हीं से बात कर रहा हूँ जिसके 10th तक नंबर अच्छे आए थे, जो 11th में भी बढ़िया कर रहा था, थोड़ा इधर उधर हुआ है, जिसके अभी भी चांस बचे हैं सिलेक्शन के, मैं उनसे बात नहीं कर रहा हूँ जो एकदम बस यहाँ पे ऐसे ही आए हैं कि कुछ उल्टा सीधा कमेंट लिखेंगे, मजा करेंगे, ऑनलाइन क्लास है सर, जोक सुनाएंगे, है ना सर, जोक सुनाओ, आज जोक नहीं सुनाया आपने, मैं उनसे बात नहीं कर रहा हूँ। आप तब बढ़ोगे जब आप अपनी तरफ से मेहनत करोगे। मैं ये सब बातें करने का टाइम ही निकालना चाहता था। कई बच्चे बोलते हैं सर मोटिवेट करो, मोटिवेशनल लेक्चर दो, सर आज मोटिवेशनल लेक्चर होना चाहिए, स्ट्रेटजी लेक्चर। अरे पढ़ो भाई, तुम भटक गए हो रास्ते से। हमारे टाइम पे कौन से मोटिवेशनल लेक्चर हुआ करते थे? हमारे टाइम कौन सी स्ट्रेटजी वीडियोस यूट्यूब पे आती थी? नहीं आती थी। तो क्या हमारे टाइम में लोगों के फिजिक्स में 95 नहीं आते थे? हमारे टाइम में क्या लोगों की केमिस्ट्री फिजिक्स अच्छी नहीं होती थी? होती थी, बहुत लोग की होती थी। पढ़ते थे हम लोग, लाइन पे चलते थे, ये करना है तो ये करना है, दस इधर उधर की दुनिया भर की बातें नहीं करते थे कि ये करेंगे, ऐसे स्ट्रेटजी बनवाएंगे, यहां से पॉइंट नंबर 2 इसको ऐसे पॉइंट करेंगे, 8 से 2 ऐसे करेंगे, उसके बाद ब्रेक लेंगे। वी डोंट डू दैट थिंग्स। हमें पता है सीधा रास्ता है, पढ़ाई करके ही क्लियर होना है। हम पढ़ाई करते थे सिंपल सी, एक स्ट्रेटजी बनाते थे, उस पर स्टिक करते थे, 2 दिन नहीं चली थोड़ी सी उसको और चेंज किया और आगे बढ़ते थे। ये थोड़ी ना करते थे कि सुबह स्ट्रेटजी बनाई, शाम को इंस्टाग्राम पे टॉल डाल ले, रात को यूट्यूब पे आ गए। पहली स्ट्रेटजी थी हाउ टू प्रिपेयर फिजिक्स इन 10 डेज, अगली बार यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं हाउ टू प्रिपेयर फिजिक्स इन 9 डेज, 3 दिन बाद आ गया हाउ टू प्रिपेयर फिजिक्स इन 6 डेज। ये नहीं करते थे ना हम लोग। स्ट्रेटजी चाहिए, मोटिवेशनल वीडियो देखने हैं। अब मोटिवेशनल स्पीकर्स को आप जाके देख लोगे, उनसे अलग लेवल पे इन्फ्लुएंस हो जाओगे। जिंदगी में कुछ करना है तो वो करो जो 90% लोग नहीं कर रहे हैं। अब तुम सोचोगे यार 90% लोग तो पढ़ रहे हैं तो मुझे तो नहीं पढ़ना चाहिए। अरे भाई वो इंसान सच्चाई बोल रहा है, 90% लोग सच में पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो तुम कर लो। तुमको लगता है पढ़ाई लिखाई अच्छा इसीलिए बना है, इसने पढ़ाई लिखाई नहीं की, देखो कितना अच्छा बोलता है, ये तो 11th क्लास था, है ना, उसकी स्टोरी पढ़ के लाओगे कहीं से, वो 10th फेल है, अरे इसने इतना बड़ा, अरे उसने बहुत मेहनत की। उसके बाद 2 रास्ते हैं, बढ़िया रास्ता है, इस पे चलना इस पे चलो, नहीं उधर पत्थर वत्थर है उस पे चलना उस पे चलो, तुम्हारी मर्जी, सक्सेस दोनों तरफ है। ये थोड़ा स्मूथ होता है पढ़ाई का रास्ता। और मैं हमेशा बोलता हूँ तुम्हें करना है कि तुम्हें कुछ करके दिखाना है, कुछ अलग करना है तो ये अचीव तो करो। एक छोटा सा गोल तुमसे अचीव नहीं हो रहा है, यहाँ से तुम एस्केपिज्म कर रहे हो, यहाँ से तुम भागने की कोशिश कर रहे हो, भाग कहीं और खुद को प्रूव करने की बात कर रहे हो। अब इसमें मुझे जज मत करना कि सर आपने लाइफ में क्या किया है, आपने लाइफ में, ये मुझे जज मत करना भाई। अब जितने भी आपके क्रिकेट के स्टार्स है, विराट कोहली है, सचिन तेंदुलकर है, इनके कोच क्या है, जानते हो इनको, नहीं जानते हो तो जरूरी नहीं कि कोच, ट्रेनर, एडुकेटर खुद वो चीज अचीव करे। हमारा काम होता है आपको पुश करके अपने से ऊपर निकाल देना। आपने क्या किया, आप तो इस पे आ जाते हो, अलग सर ने क्या किया, या इस सर ने क्या किया, ये सर कैसे हैं, है ना, इन्होंने क्या कर रखा है लाइफ में। हम जितनी देर यहां है, जितनी देर आपसे पैसा लिया है, पैसा नहीं लिया कभी, जो हमारा रोल है, जितनी देर उतनी रोल में हम आपको पुश करने आए, आपको कुछ बनाने आए हैं, सिर्फ हमारे दिमाग में सिर्फ इतना ही रहता है कि आपको हमें कुछ बनाना है, बस कुछ अच्छा करके जाना है आपके लिए। सो यू शुड कंसेंट्रेट ऑन योर सेल्फ, तुम्हें खुद के लिए खुद मेहनत करनी है। क्लियर है? स्टार्ट किया जाए, बहुत बातें हो गई आज, स्टार्ट करते हैं। अब अगली बार मत कहना स्ट्रेटजी, समझ रहे हो बात, जाग जाओ वरना कल कोई पूछने वाला नहीं है तुमको। हो गया लक्ष्य बैच खत्म, राम राम। क्या सर हम आपसे पढ़े थे? पढ़े हो गए, बहुत बच्चे पढ़ते हैं, सो व्हाट, कहीं कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इफ यू आर नॉट एबल टू डू गुड।